अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिल कर कलश धरो, आओ मिल कर कलश धरो। ओ बहनों माताओं आओ आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिल कर कलश धरो, आओ मिल कर कलश धरो। शक्ति जगाने आओ आओ कलश धरो, आओ मिल कर कलश धरो। जीवन धन्य बनाने आओ आओ कलश धरो, दुर्गा शक्ति जगाने आओ आओ कलश धरो, आओ मिल कर कलश धरो। मेरा नाम पिंकी दुआ और आज हमारे गांव में गायत्री शक्तिपीठ परिवार की ओर से, शांति कुंज की ओर से जो कलश यात्रा का भव्य आयोजन हुआ, मेरा मानना ये है कि खड़ावदा में आज इतने सालों में ये पहला आयोजन हुआ है और बहुत ही स्वर्गीय आनंद था आज की कलश यात्रा का। बहुत ही भव्य विशाल आयोजन हुआ अपने खड़ावदा में और बहुत ही मतलब एक आनंद उत्साह यहाँ की नारी शक्तियों में और यहाँ जो उल्लास देखने को मिला। ये शक्तिपीठ क्यों बना, किस लिए बना? गुरुदेव का जो नारा है, मानव में देवत धरती पर स्वर्ग, ये जन जागृति का केंद्र बने, यहाँ पे छावनी बनी रहे, इसमें गुरुदेव के जो है कार्यकर्ता रहे और गुरुदेव के जो विचार है आसपास पूरे क्षेत्र में फैलाए जाए, गरीब छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की जाए, शक्तिपीठ की तरफ से उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाए, उनकी पढ़ाई लिखाई यही की जाए, उनके विचार गुरुदेव के जो विचार है उन बच्चों में भरे जाए, उनको अच्छा साहित्य पढ़ाया जाए, उनको पढ़ाई लिखाई का खर्च पूरा शक्तिपीठ उठाए। और ये जो कह रहे हैं बाबू जी की ये जमीन वगैरह या कुछ लगाया, हमारा कुछ भी नहीं है, सब गुरुदेव ने दिया हुआ, गुरुदेव का ही है। और किसी के माथे पे लिखा हो तो बता दो ये जमीन इसकी है कि या इसका है, कुछ नहीं है, सब गुरुदेव का है। और मैं क्या दे सकता हूँ गुरुदेव को, क्या दे सकता हूँ, गुरुदेव का ही तो दिया हुआ है, ये गुरुदेव का दिया हुआ है और गुरुदेव का ही है, ये सब जनता का है, ये हमारा इसमें अब कुछ भी नहीं है। और हम तो ये कार्यक्रम होने के बाद मनासा जाएंगे, मनासा ही रहेंगे, मतलब किसी प्रकार की कोई वो नहीं हमारा पता है। और भी अगर कहीं कुछ ज़रूरत पड़ेगी, ये नीचे का खेत भी अगर ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता हुई तो ये भी मेरे बेटे ने कहा कि ये भी अपन उसको दे देंगे, कोई बात नहीं, मतलब इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और ये गुरुदेव की प्रेरणा है, मेरी एक जरा सी छोटी सी नौकरी ग्राम सेवक, ना किसी के जेब काट सकता है, ना गला काट सकता है, ना कोई डाके डाल सकता है, ये हमारे विभाग के सब जानते हैं। पर ये जाने कैसे गुरुदेव की देन है, गुरुदेव की कृपा है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया आज दिन तक, ये सबसे बड़ी बात है कि आप मेरे को 5 रुपये दे दो, किसी से उधार लिए तो उनके 1-2 महीने 6 महीने वापस दिए, दुकान से भी सामान लाया है तो उनको वापस 1-2 महीने 6 महीने। शाम जी है धनोतिया, सारा सामान उनके यहाँ से सीमेंट आया है, सरदार सिंह जी है सिलेगढ़ वाले, उनके यहाँ से रेत आई है, और मनोज भाई जो है बाबुलदा वाले, उनके यहाँ से ईंटें लाए, अभी भी गैरेंटर नहीं, ईंटों के पैसे देना है। तो ये सब गुरुदेव की व्यवस्था है, उनने व्यवस्था करी है, आगे से ऐसी व्यवस्था कर दी है कि कहीं परेशान नहीं होना पड़ा, पैसे नहीं रहे तो भी सामान आए। शाम जी से कह दिया 500 कट्टे सीमेंट के चाहिए, उनने कभी ये नहीं पूछा कि ये पैसे कब आएंगे कब देंगे, ये गुरुदेव की व्यवस्था है, गुरुदेव ने सब कुछ किया। और मेरा इसमें कुछ भी नहीं है,
मैं तीन कोड़ी का आदमी भी नहीं हूँ, ना मेरा इसमें कुछ है। ये गुरुदेव की देन है, गुरुदेव की माया, जाने क्या वो कैसे मेरे को मतलब आगे करके उन्होंने ये बनाया। और ऐसे एक ग्राम से उन्हें 100 ग्राम से जिले के आ जाए तो भी नहीं हो, और मेरी कोई इसमें औकात नहीं है। ये तो सब उस गुरुदेव की गुरुसत्ता की देन है, उनके बनाया। मैं गायत्री बैंड से रामू भाई मास्टर सेमरोल खड़ा होता। आज की जो हमारी कलश यात्रा शक्तिपीठ सेमरोल खड़ावदा से बरखेड़ा गांगा सा 7 किलोमीटर से निकाली गई, वो कलश यात्रा बहुत ही शानदार ढंग से निकली है। और इतनी भीड़ थी कि आज तलक मतलब आसपास जो कलश यात्राएं निकली है उसमें नहीं देखी गई जो आज हमारे यहाँ थी। और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है, और हमारे डॉक्टर साहब प्रण पांडे जी हरिद्वार से पधार रहे हैं। पहली टोली आ चुकी है संगीत की, और दूसरी टोली कल आ जाएगी। और ये जो कार्यक्रम, इसमें आप स्वयं आकर के अगर देखेंगे तो आप खुद ही बता देंगे, मेरे कहने से आपको जो है ये लगेगा कि बताने 100 आदमी आए ना, 1000 बता रहा होगा, हमें क्या मालूम। तो ये कार्यक्रम हमारा इतना बढ़िया हो रहा है गुरुदेव का और माता जी के आशीर्वाद से, कि जो उम्मीद नहीं थी हमें कि मतलब ये कलश यात्रा इतनी बढ़िया निकलेगी, जो कलश यात्रा आज हमारी निकाली गई। और हमारे बाहर से जो कार्यकर्ता आए हैं भाई, वो भी सब बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, सारा काम अच्छा व्यवस्थित चल रहा है, किसी तरह की कोई कष्ट वगैरह नहीं है, किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं है। और जो भी परिजन आए हैं वो सब अपना हाथ बटा रहे हैं। और ये मूर्ति स्थापना होने जा रही है 26 तारीख को डॉक्टर साहब के कार्यक्रमों से, और गायत्री माँ और सरस्वती माता और माता लक्ष्मी जी और हनुमान जी, ये चारों मूर्ति स्थापित की जा रही है। पाटीदार गायत्री शक्तिपीठ भवानी मंडी मुख्य ट्रस्टी के रूप में अभी अपनी सेवाएं दे रहा हूं, और यहां पर इस विशाल 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ और गायत्री माँ प्राण प्रतिष्ठा के विशाल समारोह में इसी माह की 14 तारीख से लगातार अपना समय दान दे रहा हूँ। यहाँ पर आसपास के क्षेत्र से मध्य प्रदेश और राजस्थान के कम 8 जिलों से परिजन आए हुए हैं, उनका यहाँ पे पूरा योगदान चल रहा है, समय दान चल रहा है। इससे पूर्व भी 3 महीने पहले से इसकी तैयारियाँ विभिन्न मीटिंगों के माध्यम से विभिन्न आयोजकों के द्वारा ली गई, और उनमें निर्णय किए गए, उन निर्णयों के अनुसार अभी ये कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ हुआ। और आज एक भव्य कलश यात्रा जो विभिन्न 4 स्थानों से माताओं और बहनों द्वारा कलश सिर पर धारण करके और 3 किलोमीटर के दूरी से लगभग यज्ञशाला प्रांगण में वो बड़े उत्साह और एक उमंग के साथ पधारी। वहाँ पर उनका 24 कन्याओं के द्वारा आरती पूजन किया गया। उसके बाद शांति कुंज के प्रतिनिधियों के द्वारा उनका पूजन, उस महत्व बताया गया शक्ति कलश का जो महत्व होता है वो। और आज के शुभारंभ में एक बहुत ही विशाल कलश यात्रा जिसमें लगभग 3,000 से 3,500 के लगभग परिजनों ने भाग लिया, उसमें अधिकांशतः महिलाओं ने मुख्य रूप से भाग लिया। साथ ही साथ आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए सभी परिजनों ने उसमें बहुत बहुत अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभाई। साथ ही मंदिर प्रांगण का नवनिर्माण हुआ, श्री सत्यनारायण जी गंधर जो कि पूर्व में एक ग्राम सेवक जी थे, उनके द्वारा यह जमीन दान भूमि दान दिया गया। इस भवन का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण भी उन्हीं के सत्प्रयासों से संपन्न हुआ। और अभी इसी समय यानी कि इन्हीं 5 दिन के कार्यक्रमों में ये मंदिर, ये प्रांगण और ये जितना भी इस पे भवन निर्माण हुआ, ये सब अखिल विश्व गायत्री परिवार को समर्पित होने जा रहा है, जो कि लोक कल्याण और लोक जन कल्याण के लिए कार्य करेगा। क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उद्योग, विभिन्न प्रकार की सत् प्रवृत्तियाँ, परम पूज्य गुरुदेव के सप्त आंदोलन, उनमें से कई प्रकार की गतिविधियों का यहाँ पे संचालन
सफलतापूर्वक हो सकेगा और साथ ही साथ लगभग 10 से 12 प्रकार के उद्योग यहाँ पे आराम से संचालित हो सकेंगे, जिसके अंदर लगभग 100 से अधिक ऐसे युवा कार्यकर्ता या ऐसे युवा जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिल सकेगा, जिससे वो अपने जीवन को सफलतापूर्वक जी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिस्त्री का काम कर रहा हूँ 2013 से, और ये भी जो बारीक नक्काशी वगैरह काम, शिखर वगैरह, गुमटे वगैरह सब का कार्य मैं करता हूँ। मेरा नाम कमलकांत राव है, विधायक सत्यनारायण जी राव, और जो भी मैं कहना चाहता था वो तो हमारे बाबूजी पाटीदार बाबूजी और पापा ने कह दिया है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि गायत्री शक्तिपीठ खड़ौदा सिंबल जो है वो एक बच्चा है, अभी करंट टाइम में वो एक बच्चा है, और वो एक ऐसा बच्चा है जिसको सभी का प्यार मिला है। मतलब नीमच शक्तिपीठ, मनासा, श्यामगढ़, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, उदयपुर, उज्जैन, इंदौर, जितने भी शक्तिपीठ और प्रज्ञापीठ है, भानपुरा प्रज्ञापीठ है, उन सभी का उसे भरपूर प्यार मिला है, अतुलनीय प्यार मिला है। और इसके अलावा ये है कि बहुत सहयोग रहा है यहाँ के परिजनों का, गायत्री परिजनों का, अदर इनके अलावा अपने ग्रामीण जनों का, खड़ौदा से, सेमरोल से हमारे 4-5 जन हैं जो विशेष इस कार्यक्रम में रहे हैं। हमारे साहब जी, सरपंच साहब है बंशीलाल जी रावत, उनका विशेष योगदान इस कार्यक्रम में रहा है, और खड़ौदा से भी 2-3 भाई हैं जो करते आए हैं, चले आए हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो चुका है, 5 बीघे की ज़मीन है जिसमें कि कंस्ट्रक्शन हुआ है, गुरुदेव का ये गुरु सत्ता की प्रेरणा से सब कुछ हुआ है। व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, ये तो गुरुदेव ही विचार देता है और मीडियम अपने को बना देता है। मतलब सारा श्रेय गुरुदेव ने कहा है कि काम मैं करूँगा, श्रेय तुझे दिलाऊँगा, वो वाली चीज़ है। तो अब इसमें आगे प्रोजेक्ट और प्लान ये रहेंगे, जैसे कि हमारे प्रमुख ट्रस्टी यहाँ के खड़ौदा सिमरोल के हैं, अपने राजेश जी तवर करके, राज इको ग्रुप के हैं वो भैया, तो वो प्रमुख ट्रस्टी, और उनका और हमारा प्रोजेक्ट, हमारा विज़न है कि हम यहाँ पे आने वाले टाइम में कुछ ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाएँ, कुछ ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ चलाएँ जिससे कि यहाँ के आसपास के क्षेत्र में एक आर्थिक क्रांति हो। साथ ही हम चाहते हैं कि ये केवल मंदिर न बन के रह जाए, ये एक शक्ति का पीठ बने जहाँ से आध्यात्मिक, सामाजिक, वैचारिक क्रांतियाँ उत्पन्न हो। गुरुदेव ने, पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी ने, हमारे गुरुदेव स्वयं महाकाल है जिन्होंने 7 प्रकार की क्रांतियाँ हमें बताई है, और हम प्रयास करेंगे उनके उन्हीं विचारों को, उन्हीं क्रांतियों को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसा कि राजेश भैया तवर भी बोलते हैं कि अपन कुछ ही समय बाद, आफ्टर सम टाइम, इस प्रांगण में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, पीछे जो आप देख रहे हो उधर, अभी वर्तमान समय में मिडिल स्कूल चल रहा है 1st to 8th तक का, और उनका प्लान है भाई साहब का और हमारा, आगे आने वाले समय में अपन जो ये बिल्डिंगें खाली पड़ी है इनमें एजुकेशन प्लस हेल्थ संबंधी एक्टिविटी शुरू करेंगे, और आयुर्वेद में भी खूब काम करेंगे जैसा कि पतंजलि में चल रहा है। हमारा प्रयास है कुछ उसी तरह से एक अच्छी एक्टिविटी, इकोनॉमिक प्लस स्पिरिचुअल, मतलब आध्यात्मिक, इन दोनों को सहयोग बना के, जैसे गुरुदेव ने कहा है ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान और भौतिकता दोनों को एक करके चला जाए, अध्यात्म और भौतिकता दोनों को मिला के चला जाए, तो व्यक्ति सुखी भी रहेगा, मन से शांत रहेगा और शरीर से भी वो स्वस्थ रहेगा। बस गुरुदेव के इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे, और इसमें हम हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है सभी से, जितने भी शक्तिपीठ इसके पेरेंट्स हैं, मैं तो ये मानता हूँ ये बच्चा है, खड़ौदा सिमरोल शक्तिपीठ बच्चा है, छोटा सा बच्चा है जिसका जन्म आज हुआ है। कंस्ट्रक्शन 2006 में चालू हो गया था बट जन्म इसका आज 23 मई को हुआ है, तो एक बच्चा है, और इन सभी शक्तिपीठ या जो पेरेंट्स इसके, सभी का अच्छा प्यार मिला है, और प्रयास करेंगे, निवेदन है उनसे हाथ जोड़ के कि आगे भी वो इसे हमेशा देखते रहें, चलाते रहें, विशेष गतिविधियाँ, विशेष एक्टिविटी अपना मान के इसे चलाते रहें। और साथ ही साथ हमारे कुछ विशेष परिजन जो यहाँ दूर दूर से आए हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ से आए बाबूलाल जी, उदयपुर से भी आए कुछ जन, कोटा से आए अपने यज्ञशाला प्रभारी 2-3 भाई साहब, धार से आए, धार से 20-25 भाई अपने यहाँ आए हैं, और खूब ज़बरदस्त एक्टिविटी के साथ, स्फूर्ति के साथ काम करते हैं। वो रात में भी ये कहते हैं कि हमें काम बताओ, करना क्या है, तो ऐसे परिजन अपने यहाँ पे हैं। और बस इन्हीं विचारों के साथ मैं, जय सियाराम।